शेयर बाजार में पिछले एक साल यानी कि फिस्कल ईयर 2023-24 के दौरान डिफेंस कंपनियों का बोलबाला रहा। सरकार के सपोर्ट से डिफेंस इंडेक्स में 119% से अधिक का उछाल देखने को मिला। निवेशकों की चांदी रही और लगता है आने वाले समय में भी डिफेंस कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स की जेब भरती दिखेंगी। दरअसल इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के एनालिस्ट भारत में डिफेंस कंपनियों के शेयरों को लेकर बुलिश है। क्या कहती है जेफरीज की रिपोर्ट और किन कंपनियों पर है उसे भरोसा, साथ ही जेफरीज के पॉजिटिव आउटलुक के पीछे की क्या है वजह, ये सभी समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक आप बने रहे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। जेफरीज भारत में डिफेंस कंपनियों के शेयरों को लेकर बुलिश है। पिछले 5 सालों में ज्यादातर डिफेंस कंपनियों के शेयरों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। जेफरीज को फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2030 के लिए डिफेंस में 21% CAGR ग्रोथ का अनुमान है। वहीं जेफरीज के अनुसार FY23 से 30 के लिए रेवेन्यू में 5 गुने की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। स्वदेशीकरण और एक्सपोर्ट से कंपनी को फायदा होगा। दरअसल भारत सरकार का जोर डिफेंस आइटम की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर है। सरकार इन आइटम्स के मामले में इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना चाहती है। वहीं जेफरीज की रिपोर्ट में ROE और घटती वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी को बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स बताया गया है। वहीं रिस्क की बात करें तो जेफरीज ने टेक का आउटडेटेड रहना और मैनेजमेंट बैंडविड्थ में कमी का जिक्र किया है। चलिए ब्रोकरेज ने डिफेंस सेक्टर की किन कंपनियों को बाई रेटिंग दी है वो भी जान लेते हैं। जेफरीज की लिस्ट के पहले नाम की अगर बात करें तो ब्रोकरेज ने HAL पर ₹3,900 टारगेट प्राइस के साथ बाई रेटिंग दी है। जिन फैक्टर्स का इसमें जिक्र है वो है कि 55-70% सर्विस इनकम प्रोडक्ट बिजनेस में तेजी का उसे अनुमान है। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक के साथ टाई अप से OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर में तेजी का इसमें पोटेंशियल जेफरीज को नजर आ रहा है। वहीं FY24 से 30 में 22% EPS CAGR का भी अनुमान है। बता दें HAL के शेयर पिछले एक साल में करीब 163% चढ़े हैं। वहीं जेफरीज ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर पर भी भरोसा जताया है और टारगेट प्राइस ₹260 का दिया है। BAL का शेयर दमदार फंडामेंटल के दम पर तेजी दिखा रहा है। जेफरीज ने कहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेस्टिक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में मार्केट लीडर है, जिसका 70-75% रेवेन्यू नौसेना और सेना से आता है और बाकी वायुसेना से आता है। जेफरीज ने कहा कि जीरो डेट और कंफर्टेबल वर्किंग कैपिटल की स्थिति के साथ BAL रक्षा अवसर से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। BAL पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY24 में 19,700 करोड़ की रिकॉर्ड आय इसने दर्ज की है, जो कि सालाना आधार पर करीब 14% बढ़ी है। FY24 की आय का 4 गुना ऑर्डर बुक है। कंपनी के पास 76,000 करोड़ की कुल ऑर्डर बुक रही। FY24 में एक्सपोर्ट में 92% की बढ़त दर्ज की गई है। बता दें BAL का शेयर पिछले एक साल में करीब 130% चढ़ा है। वहीं जेफरीज ने डेटा पैटर्न्स पर भी बाय रेटिंग दी है। डेटा पैटर्न्स पर कवरेज शुरू करते हुए इसे ₹3,545 का इसके लिए टारगेट प्राइस सेट किया है। जेफरीज का मानना है कि वित्त वर्ष 2024 से 2030 के बीच डेटा पैटर्न के रेवेन्यू में 5 गुने की बढ़ोतरी होनी चाहिए। बता दें डेटा पैटर्न्स के शेयर एक साल में 92% तक चढ़ चुके हैं। अब चलिए ये भी समझते हैं कि आखिर जेफरीज डिफेंस सेगमेंट को लेकर बुलिश क्यों है, क्या कारण है जो ग्लोबल ब्रोकरेज को डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद नजर आ रही है। सबसे पहला, भारत डिफेंस पर काफी ज्यादा खर्च करने वाले देशों में शामिल है। भारत डिफेंस पर खर्च करने के मामले में एशिया में 2nd पर जबकि ग्लोबल स्तर पर 3rd पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 5 से 6 साल में घरेलू स्तर पर डिफेंस सेक्टर में 100 से 120 अरब डॉलर के कारोबारी मौके है। कैलेंडर ईयर 2022 में भारत का कुल डिफेंस खर्च अमेरिका के डिफेंस खर्च का 10% और चीन के डिफेंस खर्च का 27% था। दूसरा कारण है जो डिफेंस सेक्टर को अट्रैक्टिव बनाता है वो है एक्सपोर्ट ग्रोथ। वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 2024 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। जेफरीज के अनुमानों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2030 के अनुमानों में एक्सपोर्ट में 2.5 गुने की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि सरकार ने इसमें 3% की बढ़ोतरी का टारगेट रखा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि PSU कंपनियां और उनके वेंडर इस ग्रोथ की अगुवाई कर सकते हैं।
ऐसे में जेफरीज का मानना है कि वित्त वर्ष 2023 तक इस सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी और वो डेटा पैटर्न HAL और BEL को लेकर बुलिश है। वहीं भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट के प्रमुख बाजारों में इटली, मिश्र, UAE, भूटान, इथोपिया, सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। जेफरीज के मुताबिक मध्य पूर्व के देशों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की जबरदस्त संभावनाएं हैं। ब्रोकरेज फर्म के नोट के मुताबिक फिलहाल ग्लोबल स्तर पर आर्म इंपोर्ट का बाजार तकरीबन 11 अरब डॉलर का है और इसमें मध्य पूर्व देशों की हिस्सेदारी 33% है। इसके साथ ही अगर बात करते हैं तो 1990 से 2000 के दौरान ग्लोबल डिफेंस पर खर्च में गिरावट आई है, हालांकि इसके बाद में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2016 से 2022 के दौरान डिफेंस खर्च में 3% CAGR की दर से बढ़ोतरी हुई है। इसमें यूक्रेन की अहम भूमिका रही है। इस अवधि में डिफेंस सेक्टर पर खर्च बढ़ाने वाले बाकी देशों में चीन 5% CAGR और भारत 4% CAGR भी प्रमुख थे। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक डिफेंस उपकरण यानी कि इक्विपमेंट के इंपोर्ट के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है और भारत के घरेलू डिफेंस खर्च में डबल डिजिट ग्रोथ हासिल हो सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही बिजनेस जगत की ताजा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए बनाई है। बिज तक आपको किसी भी कंपनी के शेयरों में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। बेहतर होगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ डिसीजन लेने की ओर आगे बढ़े तो किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद ही करें। बिज तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिज तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।